भगवान शिव को, हम तो इस धरती पर बैठे हैं जहां भगवान शिव ने सागर मंथन के बाद जो विष निकला, यात्रा अमृत की थी, तैयारी अमृत की थी, पाने चले थे अमृत, लेकिन सबसे पहले विष निकला। जीवन में भी कुछ ऐसा होता है, जब हम अमृत की यात्रा में, सफलता की यात्रा में चलते हैं, सबसे पहले कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन विष का सामना करना पड़ता है अमृत पाने के लिए। भगवान शिव ने गले में विष को धारण किया, नीलकंठ कहलाए, और साथ ही ये प्रतीक भी है हम सबके जीवन में भी, विष भी है और अमृत भी है। ये चुनाव हमारा है कि हम क्या चुनते हैं। विष को चुनते हैं तो जीवन कड़वा होता चला जाता है, कड़वे से कड़वा होता चला जाता है, और अमृत को चुनते हैं तो जीवन बेहतर बनता चला जाता है। ये हमारा चुनाव है कि हम विष का चुनाव करते हैं या हम अमृत का चुनाव करते हैं। हम विष को नहीं, अमृत को चुने तो हमारे आसपास का संसार भी अमृतमय बन जाएगा।